हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल जैम। इसके लिए मैंने सेब ले लिया एक, नाप मुझे नहीं पता, और थोड़ा सा नींबू का रस जाएगा। या आपके पास सिट्रिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड डालना है चुटकी में। और ये लाल कलर, थोड़ा सा सेब के को कलर देने के लिए, और शक्कर जाएगी। इसके लिए हम सेब को छील लेंगे, चाहे आप मिक्सी में चला डालें, चाहे आप इसके बारीक बारीक काट लें। चला के दिखाती हूँ। ये देखिए, सेब पीस लिया, बहुत बारीक नहीं पीसना, ये सब शक्कर के साथ घुल जाएगा। इसको इस कप से नाप लें, क्योंकि जितना गूदा होगा उतनी ही शक्कर डालना है नाप के। आधे से थोड़ा बढ़ती है तो आधा कप से बढ़ती शक्कर डालना पड़ेगी। इसको पैन में डालकर पकाने लगेंगे, और इसी से नाप के शक्कर डालेंगे, आधे से थोड़ा बढ़ते। इसको पकाएंगे और चलाते रहेंगे, शक्कर घुल जाए जब तक। इसको 5 से 10 मिनट हो गए पकते हुए। जब शक्कर जब तक घुली नहीं थी, इसे लगातार चलाएं। फिर 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रख कर चलाएं, पकाएं। इसमें 2-3 बूंद या आधा छोटा चम्मच नींबू डालना है, क्योंकि बस इसका यह है कि शक्कर ना जमे, ये इसके लिए डलता है। और थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, वरना शक्कर जम जाएगी। और ये लाल कलर 2-3 चुटकी समझ लीजिए। फिर ये देख लीजिएगा कि आपको जैसा जैम का कलर होता है उस जैसा हो, कम हो तो आप और डाल दें। इसको चलाते रहेंगे और पकाएंगे। 5 से 10 मिनट में ये तैयार होता है। इसको चेक करना पड़ता है प्लेट में रखकर। अगर इसका ये ऐसे डालिए प्लेट में, फिर इसको टेढ़ा करके देखिए, पानी निकलता है। अब तो तैयार नहीं है, देखिए इसमें पानी नहीं निकला, तो ये तैयार है। यहाँ मैंने जैम की पुरानी बोतल को स्टरलाइज कर लिया है। गरम खौलते पानी में से चाहे तो उबाल लीजिए, नहीं तो अवन में पानी भर के रख के इसे 5 मिनट के लिए चला दीजिए। इधर ये पक रहा है, देखिए जैम के जैसे कलर की कंसिस्टेंसी भी है और जैम जैसा कलर भी है। दोनों चीजें, कलर भी है, कंसिस्टेंसी भी है। अब इसको हम इस बॉटल में पलट देंगे और ठंडा होने पर ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देंगे। ये 1 महीने तक खाया जा सकता है। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रूट पल्प और शक्कर है। दोनों ही चीजें फायदेमंद हैं। देखिए, एक सेब से आधे से बड़ा भी ये भर जाएगा जार। अभी आपको पूरा भर के दिखाती हूँ। देखिए जैम तैयार है, आधी बोतल से ज्यादा हुआ एक सेब में। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ढककर फ्रिज में रखें, 2-3 महीने चल जाता है, लेकिन 1 महीना ही में यूज कर लेना चाहिए।